नमस्ते दोस्तों, आई एम विहाना चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे मई महीने के प्लैनेटरी पोजीशंस की एंड ये महीना कैसा रहेगा हर एक एसेंडेंट साइंस के लिए फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। सो इसे समझने के लिए हम नैसर्गिक कुंडली या जिसे एरीज का लग्न चार्ट भी कहा जाता है उसका एग्जाम्पल लेंगे। सो एज यू कैन सी, इस महीने एरीज राशि में राहु के साथ जुड़ गए हैं तीन इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स, जो है जुपिटर, बुध और सूर्य। इन चारों प्लैनेट्स का एक ही साथ एक ही राशि में होने से ये महीना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर बाकी के ग्रहों की पोजीशंस को देखें तो शनि है कुंभ राशि में, जिनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है एरीज पर। इससे कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज या सडन डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स या अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम शुक्र की पोजीशन को देखें तो शुक्र स्वगुरुई है अपने ही राशि टॉरस में, तो ये इंडिकेट करता है कि पिछले महीने की तरह ही आपका ध्यान मौज मस्ती में या अननेसेसरी स्पेंडिंग में लगा रहेगा। बट दिस इज सून गोइंग टू चेंज एज वीनस इज गोइंग टू मूव टू इट्स फ्रेंडली साइन ऑफ जेमिनाई। लेकिन आपको फाइनेंशियल मैटर्स में काफी सतर्क रहना पड़ेगा इस महीने, बिकॉज मर्क्यूरी इज कंबस्ट एंड ऑल्सो इट इज इन इट्स रेट्रोग्रेड मोशन। सो ये इंटेलेक्ट का प्लैनेट है जो आपको सही डिसीजन या गलत डिसीजन लेने में हेल्प करता है, तो आप कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने के पहले काफी सोचे एंड ओनली देन गो अहेड विद इट। इस महीने के पांचवें तारीख को लूनार एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण भी होने वाला है एंड इसके साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो होने वाला है वो है मार्स इज गोइंग टू मूव इनटू इट्स साइन ऑफ डेबिलिटेशन विच इज कैंसर। द अराइवल ऑफ जुपिटर इन योर फर्स्ट हाउस एरीज इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन योर लाइफ, बट लेकिन ये सारी चेंजेस आप तभी देखेंगे जब जुपिटर अपने कंबस्ट स्टेट से निकलेंगे, जो कि होगा 14th मई के बाद। सन इज गोइंग टू मूव इनटू टॉरस आफ्टर 14th मई एंड दैट इज व्हेन जुपिटर विल कम आउट ऑफ इट्स कंबस्ट स्टेट। एंड मैं बताना चाहती हूँ कि आप बहुत सारे मौके देखेंगे या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे जो आपके लिए बहुत शुभ और ऑस्पिशियस होंगे। Now also coming to the whole axis of Rahu and Ketu, which is affecting your first and the seventh house. पिछले साल से ही राहु और केतु आपके first और seventh house में है और this is paving a way for some significant new changes in your life. मेरा suggestion है कि आप किसी भी changes को force ना करें, let circumstances and nature take its own course and make things happen. Further, the presence of the divine planet Jupiter in your first house now is a further confirmation for this. अगर हम decision making की बात करें तो Aries right now, you know, the planet of intellect or the planet of thought process, that is Mercury, is going through its retrograde phase and it is also combust. Further, it is placed in a very unfriendly sign which where Mercury is not able to give you the favorable results. So my suggestion would be do not take any hasty decisions at this point. और आगे बढ़ते हैं तो अगर हम सन और राहु की बात करें तो इनका कंजंक्शन जो हो रहा है आपके फर्स्ट हाउस में, इसे एक बहुत अच्छा कंजंक्शन नहीं माना जाता या बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता। यू नो, सन जब भी राहु के साथ होता है तब कुछ दिक्कतें आती है, बदनामी मिलने का चांसेस बढ़ जाता है और इसके बाद आप देखेंगे इस महीने में ऑल्सो योर मून इज अफेक्टेड बिकॉज देर इज गोइंग टू बी अ लूनार एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण भी होने वाला है इस महीने। सो यू नो द सर्कमस्टांसेस आर गोइंग टू बी सच दैट आप यू नो आप बहुत कुछ करना चाहेंगे बट इस महीने आपको उसका रिजल्ट्स नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं, उतना रिजल्ट्स नहीं दिख कर आएगा। मोर ओवर योर असेंडेंट लॉर्ड दैट इज मार्स इज ऑल्सो गोइंग टू ट्रांजिट टू इट्स साइन ऑफ डेबिलिटेशन। सो मार्स जब अपना पोजिशन चेंज करेगा और कैंसर यानी कर्क राशि में जाएगा तो ये
मार्स के लिए एक बहुत फेवरेबल पोजिशन नहीं होगा. सो यू नो देर आर गोइंग टू बी सर्टन इश्यूज दैट यू विल सी इन रिलेशन टू योर हेल्थ, इन रिलेशन टू योर फाइनेंसेस एंड इन रिलेशन टू योर स्पेशली इन रिलेशन टू योर रिलेशनशिप. सो इसमें मेरी सलाह होगी कि आप यू नो अपने एंगर पे या अपने एंग्जाइटी पे, अपने फ्रस्ट्रेशन पे काबू रखें और उसे हावी ना होने दें. ऑल्सो मंगल की बात करें तो जो आपका लग्न का लॉर्ड भी है, इस महीने के 10 तारीख को इट इज गोइंग टू मूव इन टू इट्स साइन ऑफ डेबिलिटेशन, दैट इज कैंसर. सो मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है जिससे कि वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स देने लगता है. फॉर मैरिज एंड रिलेशनशिप्स यू नो आई वुड से दैट सिंस जुपिटर इज इन यू नो इट्स प्रेजेंस इन द फर्स्ट हाउस and also the seventh house lord which is Venus, it is in a good dignity in the sign of Gemini. It makes the circumstances very favorable for you know marriage, for dating, for making new connections and going out and meeting new people. But when it comes to serious concrete you know commitments or something like marriage, I would say that do not make any decisions in a haste as of now. हेल्थ वाइज आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि जुपिटर और राहु एक साथ है. सो आपको सर दर्द या डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. साथ ही साथ आपके मन में एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स भी आ सकती है. ओवरऑल ये मई का महीना एरीज के लिए मॉडरेट माना जाएगा. मेरा सुझाव है कि आप ये पूरा महीना शिव जी के टेम्पल जाएं, प्रेयर्स करें और उनको जल दूध इत्यादि चढ़ाएं और शिव जी का ध्यान करें टू गेट गुड रिजल्ट्स. हाय टॉरस, टॉरस अगर हम आपकी लग्न कुंडली को देखें तो जो सारे प्लैनेट्स का अलाइनमेंट जो एक यू नो चार प्लैनेट्स जो इकट्ठे हुए हैं वो आपके 12th हाउस पे हुए हैं जो कि आपका एरीज का साइन है. इसके अलावा जो 5th मई को लूनार एक्लिप्स भी हुआ है वो भी आपके 12th एंड 6th हाउस को ही अफेक्ट कर रहा है. सो इन माय ओपिनियन दिस एंटायर मंथ यू नीड टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल अबाउट ऑल द मैटर्स दैट आर रिलेटेड टू योर 12th एंड द 6th हाउस. सो अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की. सो सिंस मार्स आपके 3rd हाउस में अब एंटर करने जा रहा है सो इस टाइम में आपको कुछ कॉशन मेंटेन करना जरूरी है. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें आपके पार्टनर्स, योर फ्रेंड्स या आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की तो द एनर्जी देयर इज अ लिटिल सेंसिटिव बिकॉज मार्स इज एंटरिंग द 3rd हाउस विच इज इट्स डेबिलिटेशन साइन ऑफ कैंसर. सो वॉट आई वुड एडवाइस इज कि आप कोई भी रिलेशनशिप मैटर में अभी रश ना करें क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की बात आती है तो राइट नाउ द एनर्जी इज नॉट वेरी ऑस्पिशियस और फेवरेबल. So now let's talk about your health this month. So आपका जो 6th house है that is related to your health, loans and enemies. And इस महीने आपको कोल्ड एंड कफ की समस्या रह सकती है जिससे आपके स्लीप स्केड्यूल पे भी काफी असर पड़ सकता है. Besides this, I would also recommend that you do not take any kind of loan this month because इसे repay करने में आपको काफी दिक्कत हो सकती है. So talking about any property related matters, we will have to check the position of sun, जो आपके 4th house का भी lord है. So सूर्य इस वक्त आपके 12th house में है and it is getting affected by the lunar eclipse which has happened this month. So I would highly recommend that you avoid or postpone anything you know any important decisions which is related to property, real estate or even any important family related matter. So talking about matters related to your finance, तो अननेसेसरी फिजूल के खर्चे बढ़ सकते हैं इस महीने क्योंकि अगेन देखें तो आपका जो 12th हाउस है विच इज रिलेटेड टू अननेसेसरी स्पेंडिंग हैबिट्स, लॉसेस, ट्रैवल एंड हॉस्पिटलाइजेशन इज गेटिंग अफेक्टेड दिस मंथ. सो इससे ये हो सकता है कि आप यू विल एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी बाइंग थिंग्स विच आर नॉट रियली रिक्वायर्ड एंड और यू मे जस्ट ट्रैवल अननेसेसरीली एमलेसली एंड एंड अप स्पेंडिंग मनी देयर. और अगर आप वीनस रिलेटेड फील्ड्स में हैं जैसे कि एंटरटेनमेंट, ग्लैमर, मीडिया, एक्टिंग, पीआर, डिप्लोमेसी तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा.
Good thing is that Venus is the only planet which gives happiness and a feel-good factor. So, from entertainment and a fun point of view, ये महीना आपके लिए काफी favorable रहेगा. लेकिन एक बहुत अच्छी बात है इस महीने विच विल एंश्योर अ कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ मनी एंड इनकम. सिंस योर एसेंडेंट लॉर्ड वीनस इज गोइंग टू ट्रांजिट इनटू योर सेकंड हाउस विच इज द हाउस ऑफ वेल्थ एंड सेविंग्स. सो दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू. टू समराइज, सम कॉशन विल हैव टू बी टेकन दिस मंथ बिकॉज योर 12th एंड द 6th हाउस इज गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू द लूनर एक्लिप्स. सो ओवरऑल ये महीना आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स रहेगा and I will give it a 5 out of 10. और आपके 12th हाउस के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए I would suggest that आप रोज सुबह सूर्य को पानी चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्त्रोतम का चांट करें. हेलो Gemini, इन योर केस आपके सारे इम्पोर्टेंट planets आपके 11th हाउस में इकट्ठे हुए हैं. द 11th हाउस इज द हाउस ऑफ फेम, प्रॉफिट्स, रिकग्निशन, फ्रेंड्स एंड कनेक्शन. इसे लाभ स्थान भी कहा जाता है. तो कुछ सडन रिकग्निशन, न्यू प्रोजेक्ट्स, इम्पॉर्टेंट डील्स या न्यू जॉब या प्रमोशन मिलने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं. करियर पर्सपेक्टिव से भी ये महीना आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा. अगर आप कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर या शेयर मार्केट में भी काम करते हैं तो ये महीना आपके लिए खास है. वीनस बहुत जल्द ही आपके फर्स्ट हाउस में एंटर करने वाला है जो आपके पर्सनालिटी में बहुत सारा अट्रैक्शन और चार्म भर देगा. तो आप अगर किसी इम्पोर्टेंट डिस्कशन या मीटिंग के लिए जाने वाले हैं तो आपके पॉजिटिव ऑरा और एनर्जी से आप लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस आई वॉन्ट टू से दैट द प्रेजेंस ऑफ जुपिटर इन योर 11th हाउस इज गोइंग टू बी वेरी फेवरेबल क्योंकि जुपिटर 11वें घर का कारक भी है. और Gemini, आपके केस में जुपिटर तो आपके दूसरे और सातवें घर का रूलर भी है. तो फ्रॉम रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू या कमर्शियल गेन पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी फेवरेबल फॉर यू. लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि मार्स आपके लिए एक फेवरेबल प्लैनेट नहीं है और मार्स अब एंटर करने वाला है आपके सेकेंड हाउस में जो कि कैंसर है और ये मार्स की डेबिलिटेशन की साइन है. राहु की 11th हाउस में प्रेजेंस बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है और इससे आपको सडन गेन्स एंड सडन अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस होते हैं. फर्दर इफ राहु इज फेवरेबल इन योर ओन बर्थ चार्ट और योर जॉब इज लिंक टू राहु या आपकी राहु की दशा हो तो ये महीना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. हेंस फॉर Gemini ascendants, आई बिलीव दैट आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं इस महीने इवन इन दिस लूनार एक्लिप्स पीरियड especially इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ. सो ओवरऑल आई थिंक इस महीने मोस्ट ऑफ योर प्लैनेट्स आर इन अ वेरी गुड स्टेट टू बेस्टो वेरी गुड रिजल्ट टू मोस्ट ऑफ यू. आई वुड गिव इट अ 8 आउट ऑफ 10. और अगर आप मार्स की एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं तो अपने डाइट में दूध और दही जैसे चीजों का सेवन बढ़ाएं और अपने आप को और अपने आसपास को वाइट चीजों से सराउंड करें. हेलो कैंसर, हाउ आर यू फीलिंग? हैज द लूनार एक्लिप्स एनर्जी एंड मार्स मूविंग इनटू इट्स स्टेट ऑफ डेबिलिटेशन ऑलरेडी स्टार्टेड टू अफेक्ट यू? लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स इज इन स्टोर फॉर यू इन दिस मंथ ऑफ मे. कैंसर, आप लोगों के लिए इस लूनार एक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाली है. इसके साथ ही ये आपके चौथे और दसवें घर के एक्सिस पे होने वाली है और इसकी वजह से यू आर वल्नरेबल व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड वर्कप्लेस वेयर यू माइट बिकम अ विक्टिम ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन एंड बैकस्टैबिंग. सो जस्ट बी केयरफुल एंड मोर कॉशियस. अगर आपको ये चंद्र ग्रहण बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है और आपकी दशा भी फेवरेबल नहीं है तो इसका असर सीधा आपके काम पर भी दिखेगा. आपके कलीग्स और बॉस जो पहले आपकी बात सुना करते थे वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं और आपको मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हैं चाहे आपका इरादा और काम जितना भी सही हो. ऐसे सिचुएशन में आई सजेस्ट कीपिंग अ लो प्रोफाइल अंटिल दिस एनर्जी स्टार्ट्स चेंजिंग. अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके एकेडमिक प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको एक बैलेंस मेंटेन करना होगा. मंगल जो आपके पांचवे हाउस के लॉर्ड है वो आपके फर्स्ट हाउस में डेबिलिटेटेड है. इससे आपके एनर्जी लेवल्स थोड़े से सेंसिटिव हो सकते हैं. सो माय सजेशन वुड बी कि आप अपने सोशल लाइफ और एकेडमिक लाइफ के बीच में एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करें इस महीने.
लेट्स डाइव इनटू योर रिलेशनशिप एस्पेक्ट. सो सैटर्न जो आपके 8th भाव में स्थित है वो आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज के रूलर भी है. जैसा कि आप जानते हैं कि सैटर्न का 8वें घर में प्रेजेंट होना आपके संबंधों में कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकता है. Also, due to the dual transit of Venus and Mars, there can be certain changes in your relationships which can cause mental pain and disturbances. और केतु का 4th भाव में प्रेजेंट होना आपके परिवार के बीच में कुछ झगड़े करवा सकता है. अगर आप किसी बिजनेस या पार्टनरशिप में है तो आपको वहां भी थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होना होगा. आई वुड सजेस्ट कि आप अपने एंगर मैनेजमेंट पे ध्यान दें. गुड न्यूज इज दैट कि आपके मदद के लिए आपके 10th हाउस में जुपिटर आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं. तो इस महीने अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डील फाइनलाइज करनी हो तो ऐसा करना इस महीने में बहुत अच्छा मूव नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको कुछ लॉसेस या कुछ बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं. ओवरऑल ये महीना आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा और आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा. आई वुड रेट इट अ 4 out of 10. As a remedy, I suggest you get a Rudra Abhishek done or make a habit of chanting the Mahamrityunjay Mantra, and that will prove to be very beneficial for you. As you can see, Venus आपके तीसरे और दसवें घर के लॉर्ड है. Venus खुद जेमिनाई में होकर आपके लाभ स्थान में प्रेजेंट है, which is a very favorable position. इससे आपको कुछ अच्छी न्यूज, नए रिलेशनशिप्स या आपके काम में रिकग्निशन भी मिल सकता है. अब हाल ही में हुए लूनार एक्लिप्स की बात की जाए तो ये आपके 3rd और 9th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है. द 3rd एंड द 9th हाउसेस आर चीफली रिलेटेड टू योर थॉट प्रोसेस, ट्रैवल, हायर एजुकेशन, योर फादर, योर डिवाइन लक एंड स्पिरिचुअलिटी. इट इज अ वेरी ऑस्पिशियस टाइम एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू शो योर ग्रेटिट्यूड टू योर एंसेस्टर्स एंड योर ईष्ट देवता. ग्रहण के वजह से आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो जाती है. राइट फ्रॉम योर सहस्र चक्र टू योर मूलाधार चक्र, ऑल द चक्रस आर अफेक्टेड. लेकिन मेनली जो आपका रूट चक्र है या जिसे मूलाधार चक्र भी कहते हैं वो इस वक्त एक्टिवेटेड हो जाता है. हेंस दिस इज द राइट टाइम टू अलाइन योर सेल्फ विद द एस्ट्रल बींग्स विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन एंड चैंटिंग. लेकिन ध्यान रखिए कि 4 इंपॉर्टेंट ग्रह आपके 9th हाउस में जुड़ रहे हैं, जिसमें जुपिटर और राहु कंजंक्ट भी है और इसे गुरु चांडाल योग भी कहते हैं. द गुरु चांडाल योग कैन ईदर मूव यू टू द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी और इट कैन टर्न यू इनटू अ रिबेल. ये सब गुरु और राहु के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है. आई थिंक इट्स एन एक्सलेंट टाइम टू यूज द एनर्जी ऑफ द 9th हाउस टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विसेज. But it's not such a good idea to test your luck into activities like gambling and stock market. इससे सिर्फ आपको नुकसान ही होगा. अब बात करते हैं आपके कुंडली के योग कारक ग्रह मंगल की. तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन लेने वाले हैं तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान दें. वैसे तो आपके बर्थ चार्ट में मंगल इज द रूलर ऑफ योर 4th हाउस, लेकिन इस 10th मई को मंगल आपके 12वें घर पे डेबिलिटेटेड हो जाएंगे, जिससे आप प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजंस लेने में वल्नरेबल हो जाएंगे और इससे लॉसेस होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, इनर इनसिक्योरिटी इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ लियो नेटिव्स विल फेस दिस मंथ. इफ यू आर प्लानिंग टू टेक अप अ न्यू जॉब और मूव टू अ न्यू प्लेस, देन यू माइट फील अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी फ्रॉम विद इन. और जैसा कि आप देख सकते हैं, वीनस आपके 11th हाउस में एक बहुत ही डिग्निफाइड स्टेट में होगा, जिससे आपको आपके फ्रेंड से बहुत मदद मिलेगी और इसके साथ ही आप अपने परिवार के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. और अगर आपका प्रोफेशन भी वीनस से ही जुड़ा हुआ हो तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है. रिलेशनशिप वाइज देखें तो ये महीना आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा, क्योंकि जुपिटर आपके 9th हाउस में एंटर करने वाला है और सैटर्न स्ट्रांग पोजीशन में है आपके 7th हाउस में. तो इससे आपको आपके शादी के रिश्ते भी फाइनलाइज हो सकते हैं. ओवरऑल आई गिव इट अ 8 out of 10. हेलो माय वर्गो फ्रेंड्स, सो इस बार आपके केस में जो लूनार एक्लिप्स हुआ है वो आपके 8th हाउस में हुआ है, इसलिए आई वुड सजेस्ट दैट यू बी मोर केयरफुल, मोर कॉशियस, एज यू मोर प्रोन टू मेक रॉन्ग डिसीजंस एंड फील इनसिक्योरिटी एंड डिप्रेशन.
Another thing I advise is to be more careful while driving because you're more prone to accidents now. लेकिन इस महीने वीनस आपका साथ देंगे, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, जिसे आपके बॉस और आपके कलीग्स आपका साथ देंगे और आप इजीली मल्टीटास्किंग भी कर पाएंगे। इसके अलावा मर्क्यूरी का भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये आपका लग्नेश है, लेकिन रेट्रोग्रेड होने के वजह से आप अपने डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। आई वुड सजेस्ट दैट पहले दो हफ्ते तक You should avoid taking any significant life decisions. This includes finalizing marriage or a decision about any financial investments. Mars debilitated होने के कारण काफी कमजोर है इस महीने, लेकिन ये फिर भी आपके 11th house में है। तो अगर आप film industry से related हो या business आपका stock market से related हो, तो कुछ cases में ये कुछ new opportunities भी create कर सकता है। वर्गो, आपके लिए सैटर्न का 6th हाउस में प्रेजेंस आपके इनकम और आपके स्वास्थ्य के मामले में कुछ स्टेबिलिटी ला सकता है, लेकिन सैटर्न की 3rd दृष्टि जो आपके 8th हाउस पर पड़ रही है, वो आपके परिवार के बीच में कुछ गलत फहमियां या झगड़े लगा सकता है। तो आई वुड रिकमेंड दैट यू पे स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल्सो मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ योर इन-लॉज। ओवरऑल मेरी सलाह है कि आप अपने प्रोफेशनल मामलों में जितना बिजी रह सके आपके लिए उतना ही अच्छा है, बिकॉज दैट इज द ओनली एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज करंटली इन अ स्टेट ऑफ डिग्निटी। ओवरऑल आई वुड गिव दिस मंथ अ 4/10। हाई लीब्रा, एज आई कैन सी इन योर चार्ट देर इज अ कंजंक्शन ऑफ मेजर प्लैनेट्स इन योर 7th हाउस दिस मंथ। ये बहुत ही अच्छा संकेत है क्योंकि द 7th हाउस इज रिलेटेड टू कमर्शियल गेन्स, रिलेशनशिप्स एंड पब्लिक डीलिंग्स। However, 7th house के लॉर्ड मंगल is transiting in your 10th house, which is in a state of debilitation. This means that although there could be a lot of gains commercially, there could be a lot of struggle to achieve this. साथ ही मार्स आपके 2nd house के रूलर भी है, so you must avoid harsh words and aggressive behavior. ये खास उन लिब्रंस के लिए है जो डेली पब्लिक से कम्युनिकेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ स्पोक्स पर्सन फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी और अ ब्रांड। व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स दिस मंथ लुक्स गुड फॉर यू। जुपिटर के ब्लेसिंग्स के साथ आपके एसेंडेंट लॉर्ड वीनस भी आपके 9th हाउस में स्थित है। एज यू नो द 9th हाउस इज द हाउस ऑफ लक एंड डेस्टिनी एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। You will receive the right kind of advice from experienced people, mentors and guides. Any plans related to travel or immigration will also be fruitful during this time. Overall, I think this month will be very beneficial for you. But I would highly recommend ki aap apne choice of words pe dhyan de, especially if you're holding a public meeting. Aapke words bahut strategic aur bahut transparent hone chahiye. Overall, I'll rate this month a 7/10 for you, Libra. To balance the negative effects of Mars, I would suggest कि आप इस पूरे महीने चंद्र बीज मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप करें। Hello, my fellow Scorpions. This month could be a bit challenging for you. आपकी पूरी planetary concentration आपके 6th house में हो रही है और आपके ascendant Lord यानी मंगल भी इसी month में debilitated हो रहे हैं। But the good part? मार्स का डेबिलिटेशन आपके 9th हाउस में हो रहा है एंड द 9th हाउस इज द हाउस ऑफ डिविनिटी एंड लक। आई वुड हाईली रेकमेंड स्कॉर्पियंस टू अवॉइड टेकिंग एनी इम्पल्सिव डिसीजंस। ये वो टिपिकल योग है जहां पे लोग जल्दबाजी करते हैं और बाद में रिग्रेट भी करते हैं। सेकेंडली, एज योर 6th हाउस इज गेटिंग अफेक्टेड, एनीथिंग टू डू विद बोरोइंग मनी और लेंडिंग मनी इज नॉट वेरी सूटेबल फॉर यू। द पीपल अराउंड यू और इवन सर्कमस्टांसेस में प्रोवोक यू, बट स्टे काम एंड डू नॉट रिएक्ट इफ यू वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स। आपके लग्नेश मंगल के 9th हाउस होने से आपका फोकस हायर स्टडीज या वर्क रिलेटेड ट्रैवल की तरफ शिफ्ट हो सकता है। मून का पोजीशन अगर स्ट्रांग हो तो आपको काफी बेनिफिट्स भी मिल सकती है। व्हेन वी टॉक अबाउट योर करियर, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वीनस इज करंटली ट्रांजिटिंग इन योर 8th हाउस, योर एसेंडेंट लॉर्ड इज गेटिंग डेबिलिटेटेड दिस मंथ एंड द होल एक्लिप्स एनर्जी इज टेकिंग प्लेस इन योर 5th हाउस। Now this scenario can be beneficial for those people whose work involves negotiations or handling legal disputes.
लेकिन अगर आप बहुत इजी गोइंग पर्सन है और अपना काम अपने तरीके से करना चाहते हैं, दूसरों के रास्ते में नहीं आना चाहते, तो ये एनर्जी आपके लिए काफी टर्बुलेंट हो सकती है। तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा, ये महीना स्पॉन्टेनिटी, नेगोसिएशन, लीगल या प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे प्रोफेशंस के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आपका काम इन चीजों से जुड़ा हुआ है तो ये महीना आपके लिए काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। मैं इस महीने को 5 out of 10 देती हूँ। इस महीने में आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि आप किसी हनुमान जी के मंदिर में जाए, किसी भी हनुमान जी के मंत्र का पाठ करें, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। हाय सजिटेरियस, एज यू कैन सी द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल द मेजर प्लैनेट्स इज अफेक्टिंग योर 5th हाउस। एडिशनली द इफेक्ट्स ऑफ द लूनर एक्लिप्स इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग योर चार्ट्स। सो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस जल्दबाजी में ना लें। आपका 5th हाउस, जहां से आप मेजर इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक मार्केट रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, इस वक्त बहुत सेंसिटिव है। और आपका 9th हाउस, जिससे हम डेस्टिनी और लक देखते हैं, उसका लॉर्ड मून आपके 5th हाउस में एक्लिप्स हो रहा है। सो इफ यू टेक टू मच फाइनेंशियल रिस्क, then even luck may not support you this time. Please note that the 5th house is related to childbirth and womb. So for all those women who are currently pregnant, taking care of their health and well-being is most important. Mera advice hai ki aap eclipse related sare protection mantras aur rituals ka palan bhi kare. Aapke 7th house mein Venus ke hone se aur aapke 5th house mein major planetary concentration especially Jupiter ke hone se aapke romance aur love life mein kuch naye spark ke kuch naye connection banne ke chances badh jate hain. Secondly, if you are an artist or a creative person or your business involves dealing with children or education, then all of this can benefit from this energy. Also, because the 5th house is the 8th from the 10th house, so aapke kaam mein agar koi transformation ho raha hai, koi restructuring ho raha hai, to ye definitely ek positive development hi hoga. So Sagittarius, ye mahina aapke liye average rahega. I would give this a 6 out of 10. अगर आप अपने 8th हाउस के डेबिलिटेटेड मार्स के इफेक्ट को कम करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल उपाय कर सकते हैं, जैसे ब्लड डोनेट करना या एक्सरसाइज करना, अपने बॉडी को मूव करना। इसके अलावा आप अगर एक स्ट्रांग रेमेडी करना चाहते हैं तो आप लॉर्ड हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ये सबसे पावरफुल रेमेडी होगा। हेलो कैप्रिकॉर्न, दिस मंथ होल्ड्स अ लॉट ऑफ गुड पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू। लेट्स फाइंड आउट व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। आप सभी के लिए मई का महीना काफी प्रॉमिसिंग है, एस्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर वेल्थ एंड करियर ग्रोथ। With your ascendant Saturn in a strong and healthy dignity in your 2nd house, आपके financial decisions, आपके career, आपके work life और आपके savings में सुधार काफी अच्छे से होगा। But wait, there is more. आपके योग कारक ग्रह शुक्र अभी आपके 6th house में है, which means that आपके daily routine work में या आपके job में काफी improvements देखने मिलेंगी। लेकिन हाँ, एक्लिप्स एनर्जी की वजह से आपके 4th हाउस रिलेटेड मैटर्स में कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। सूर्य और राहु की आपके 4th हाउस में प्रेजेंस, जिसपे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, दिस इंडिकेट्स अ क्रूशियल टाइम पीरियड फॉर योर वर्क करियर। इफ यू आर कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट तो आई एडवाइस कि सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी होने के चांसेस काफी हैं। और अगर आपका जॉब पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड है तो स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज से दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीपल या तो सर्कमस्टेंसेस माइट प्रोवोक यू। सो आई जस्ट से दैट बी वेरी केयरफुल देयर। बट यस, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग। जुपिटर की प्रेजेंस भी आपके 4th हाउस में ही है एंड थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग मच बेटर आफ्टर द 14th ऑफ मे। अगर आप जॉब करते हैं और कोई प्रमोशन या ट्रांसफर की एक्सपेक्टेशंस है तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। माय सजेशन वुड बी टू कीप वर्किंग ऑन योर बिजनेस, ऑन अपडेटिंग योर स्किल सेट्स एंड टू बिल्ड योर यू नो रिज्यूमे। दिस विल रियली हेल्प यू। आपके 7th हाउस में डेबिलिटेटेड मार्स भी है, जिसके कारण आपके मेंटल या इमोशनल इनसिक्योरिटीज और फ्रस्ट्रेशंस बाहर निकलेंगे। ये इमोशंस आपके पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ने का काम कर सकते हैं।
My suggestion is that you focus on your health, your fitness, go to the gym, exercise and practice silence wherever required. So overall देखा जाए तो आपके second और sixth house में energy काफी अच्छी है, लेकिन आपके inner mental और emotional state को handle करना बहुत जरूरी है. Don't let that affect your relationships. Go to the gym, work out, stay healthy and give a direction to your life. आपके stars आपको help जरूर करेंगे. I would give this month a 7 on 10 for you, Capricorn. Hey Aquarius, this month comes with some very strong and exciting planetary alignments for you. So listen up. Mars ke aapke 6th house mein debilitated hone se aapko credit ya lending ki cheezon mein extra careful rehna hoga. I would recommend ki aap kisi bhi agreement ya document pe sign karne se pehle bahut careful rahein. और हाँ, आपके डेली लाइफ में अग्रेशन ना दिखाएं, क्योंकि आप अगर फोर्सफुल होंगे तो आपके इंटेंशंस बैकफायर करेंगे और लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे. आई बिलीव दिस इज अ गुड टाइम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. आपके तीसरे घर में सारे प्लैनेट्स का इकट्ठा होना फ्रीलांसर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए काफी अच्छा होगा. बस ध्यान रहे, अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सेवेंथ हाउस लॉर्ड एक्लिप्स योग में आपके थर्ड हाउस में मौजूद हैं, एंड दिस कुड मेक यू प्रोन एंड वल्नरेबल टू बी मैनिपुलेटेड बाय अदर्स. सो ध्यान रहे, आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. Venus, which is a planet of fortune for you Aquarius, will play a very significant role this month as it enters your fifth house. This transit is particularly good for people involved in arts, media, entertainment or communication or any field that requires personal charm and magnetism. Fifth house हमारे intellect का भी घर है, इसलिए आप strategic और diplomatic decisions भी ले सकते हैं और sensitive situation को अच्छी तरीके से handle भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपके लग्नेश Saturn की, जो अपनी favorite राशि Aquarius में ही है. ये आपके करियर और हेल्थ में आपको स्टेबिलिटी देंगे और आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेंगे. सो दिस मंथ इज ओवरऑल गुड फॉर रोड ट्रिप्स, ट्रैवल, एंजॉयमेंट, फन एंड क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक परस्यूट्स. इस मंथ को मैं रेटिंग दूंगी 8 out of 10. इस महीने के सैटरडेज को आप अगर शनि मंदिर में जाएं और उनको प्रेयर्स ऑफर करें, साथ ही आप अगर नीडी लोगों को कुछ खाना खिलाएं और एल्डरली लोगों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, तो आपको लाभ जरूर होगा. हाय पाइसेस, दिस मंथ इज वेरी क्रूशियल फॉर यू. दैट इज बिकॉज जो लूनार एक्लिप्स की एनर्जी है वो आपके सेकेंड हाउस पे पड़ रही है. दिस मीन्स दैट आपको फैमिली रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में या फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में बहुत कॉशियस और केयरफुल रहना होगा. द गुड पार्ट, जुपिटर जो आपके लग्नेश है वो भी आपके सेकेंड हाउस में ही मौजूद है, विच मीन्स ही विल ब्रिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटीज, चांसेस फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इज ऑल्सो हाई. पाइसिस लग्न के लिए एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि मार्स आपके फिफ्थ हाउस में डेबिलिटेटेड होगा फ्रॉम द 10th of May. Which means dealing with romantic relationships or children can be a little challenging and you will have to be extra sensitive and careful there. अगर आप अपने बच्चों के साथ में बहुत dominating होंगे तो situation बहुत बिगड़ भी सकती है. साथ ही pregnant woman को भी extra cautious होना जरूरी है. और इसके साथ ही Venus भी आपके 4th house में transit करेंगे, तो इसके साथ आपको आपके घर को डेकोरेट करने में या आपके फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के मौके भी काफी मिलेंगे. ये वीनस की एनर्जी आपको एक फील गुड फैक्टर देगा एंड सडनली यू विल बी ड्रॉन टुवर्ड्स ब्यूटीफुल थिंग्स, डेकोरेशन, आर्ट गैलरीज, रोज गार्डन्स या फूड फेस्टिवल्स. एंड दिस एनर्जी विल एक्चुअली हेल्प योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ. This month may bring you some ups and downs, but overall it's a very exciting time for you. आपके ascendant lord और venus काफी ही positive situation में है and it will bring you new ideas and new opportunities and financial avenues. Overall I'll rate this month a 7 out of 10. अगर आप debilitated mars की और lunar eclipse के ill effects को balance करना चाहते हैं, तो मैं recommend करूंगी कि आप अपने diet में पानी और डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक जरूर बढ़ाएं. साथ ही अगर आप लॉर्ड शिवा को प्रेयर्स ऑफर करेंगे और महामृत्युंजय का जाप करेंगे, तो ये आपको काफी हेल्प करेगा.
Thank you for watching this video. If you enjoyed this, do consider liking and subscribing to my channel for more such astrological insights. Don't forget to hit the notification bell so that you never miss a video. You can follow me on my social media handles and also visit my website to book a personalized reading.